हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग। आज हम लोग मेडिकल सर्जिकल पढ़ना शुरू करेंगे। मेडिकल सर्जिकल की सबसे पहले हम सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले हम जो है मेडिकल सर्जिकल में स्टार्ट करेंगे। मेडिकल सर्जिकल जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, जितने भी डिसऑर्डर होंगे इसमें, और जितना उसको हम एक बाई एक करके पढ़ेंगे, तो इसी क्रम में सबसे पहले आता है अस्थमा। तो हम सबसे पहले अस्थमा पढ़ते हैं कि अस्थमा क्या होता है, और इस वीडियो में हम अस्थमा के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और आज के बाद अस्थमा पे कोई भी कन्फ्यूज़न आपका नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें कि मेडिकल सर्जिकल में जो भी डिजीज़ होती है उसको पढ़ने का एक वे होता है, किस वे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम वे समझ लेते हैं कैसे पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, उस डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उसका सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं कि डिफिनेशन क्या है उसका। फिर उसके बाद में यानी डिफिनेशन परिभाषा, फिर उसके बाद में उसका काज, वो कारण क्या है, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कि जिसकी वजह से वो बीमारी हुई है। फिर टाइप ऑफ बीमारी, जैसे क्या कुछ बीमारी एक्यूट होती हैं, सीवियर होती हैं, या मॉडरेट होती हैं, या कई प्रकार की बीमारियाँ, उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो टाइप ऑफ डिजीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, उसके लक्षण क्या है, उस बीमारी के लक्षण क्या है, उस लक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम। फिर आता है उसका पैथोफिजियोलॉजी, वो उसका जो ग्रोथ करने का जो बीमारी है, उस ग्रोथ करने का क्या बीमारी जो है ग्रोथ कर रही है, उसके पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, उस बीमारी को रूल आउट करने के लिए हम कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बीमारी है, उसको कुछ रेडिएशंस चेक रिपोर्ट्स करवाते हैं, कुछ लैब रिपोर्ट्स कराते हैं, उन सबको जितने भी रिपोर्ट्स कराते हैं वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम लोग करते हैं। फिर जब हमको डायग्नोस क्लियर आइडेंटिफाई हो गई कि मतलब ये डायग्नोस्टिक्स ये क्लियर हो गया कि ये इसका ये बीमारी है, तो उसका मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट तीन तरह से कर सकते हैं। पहला होता है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट, तीसरा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग का मेडिकल सर्जिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इसी वे में हम सारी डिजीज़ पढ़ते हैं, जो भी किसी भी सिस्टम की, मेडिकल सर्जिकल की कोई भी डिजीज़ हो, हम इसी फॉर्म में पढ़ते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं और बात करते हैं कि अस्थमा क्या होता है। तो अस्थमा जो है एक तरह का इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज़ होती है, और ये इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, एयरवे में हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एयरवे में यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है और म्यूकस सिक्रेशन बढ़ गया है, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये अस्थमा यहाँ पर काज हो रहा है। तो सबसे पहले इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या होती है, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन जो होगा वो है अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवे दैट काज एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ स्टेमलाई दैट अकर्ड इन एयरवे इन्फ्लेम्ड एंड नरिंग। तो सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें कि अस्थमा जो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, और ये इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, तो एयरवे में होता है। एंड दैट काज एयरवे में किस कारण ये होता है, तो जो एलर्जेंट होते हैं, जैसे ही ये हमारे एयरवे में एंटर करते हैं, तो जो हमारे एयरवे का स्टेमुलाई होती है वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करती है, और एयरवे में म्यूकस सिक्रेशन एयरवे में म्यूकोजल सिक्रेशन बढ़ जाता है और इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। और जैसे ही वो इन्फ्लेम्ड होंगी तो वहाँ पे जो एरिया होगी, जो वो वहाँ का एयरवे है, वो नैरोइंग हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा। जैसे पतला होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि हमको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी, ये सब भी हम सिम्टम में क्लियर करेंगे। अच्छा, ये कैसे होता है, यहाँ पर देखें कि ये हमारा लंग्स है, लंग्स है, ये हमारी ट्रेकिया है, ये हमारा आपका राइट ब्रोंकस और ये लेफ्ट ब्रोंकस, यानी दोनों ये हमारी ब्रोंकाई हैं। और अगर हम इसके नीचे बात करें तो ये हमारा हो गया ब्रोंकस, ये हो गया हमारा ब्रोंकियोल्स। इसके आगे जो यहाँ पर बात करें तो ये हो गई हमारी एल्वोलाई। यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया एल्वोलाई, ये हमारी एल्वोलाई हो गई। और ये एल्वोलाई में क्या, यहीं से आपका जो है सारे गैसियस एक्सचेंज होते हैं, जो भी गैसियस एक्सचेंज होते हैं यहीं से होते हैं। तो ये जो डिजीज़ होती है तीन तीन चरण में होती है। पहला होता है कि एयरवे का इन्फ्लामेशन होता है, दूसरा होता है एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, यानी हमने बताया यहाँ पर कि आपको पहले क्या होगा, एयरवे में इन्फ्लामेशन होगा, दूसरा क्या होगा, कोई भी जैसे एलर्जेंट गया है उससे क्या होगा कि हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करेगा, तीसरा है ब्रोंकोस्पास्म। ब्रोंकोस्पास्म का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ की जो मसल्स हैं,
जैसे यहाँ की जो मसल्स हैं इनमें क्या है, जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा तो ये इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ की जो जो भी मसल्स हैं वो चिपक जाएंगी, और जब चिपक जाएंगी तो मसल्स में जैसे चिपकेंगी तो मसल्स में तनाव होगा यानी स्ट्रेन होगा, और उसकी वजह से चेस्ट टाइटनेस होगा। अभी हम सिम्टम में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर हम इस इमेज को देखें, इस इमेज में देखें, ये सबसे पहले वाली जो इमेज है ये आप देखें, ये नॉर्मल एयरवे है, नॉर्मल एयरवे है, इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं। पर अभी इसको सेकंड में देखें, जो अस्थमेटिक एयरवे है इसमें क्या है कि जैसे ही इसमें कोई एलर्जेंट गया, हाइपर यहाँ का जो स्टेमलाई है वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन हुआ तो जो एयरवे है वो एयरवे पतली हो गया यानी यहाँ पर नैरो हो गई, और नैरो होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो हमको ब्रीद पास पे है वो ब्लॉक हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे कंजेस्टेड हुआ, ये जैसे कंजेस्टेड हुआ फिर हमको क्या हुआ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगी। अब ये क्या है, ये अस्थमेटिक एयरवे है, और अटैक होने से पहले क्या होता है कि अटैक होने से पहले ये पूरा एयरवे ब्लॉक हो जाता है, देख रहे हैं, ये एयरवे ब्लॉक होने की वजह से इतना इन्फ्लामेशन हो जाता है जिस वजह से अस्थमेटिक अटैक होता है। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ ये पूरा कंजेस्टेड है, पूरा म्यूकस है, म्यूकस इसमें पूरा भरा हुआ है और एयरवे एकदम कंजेस्टेड हो गई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसका काज क्या होता है। इसके मुख्यतः चार काज होते हैं जो इसकी कारण होते हैं, इसकी अगर हम बात करें फैक्टर के, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अस्थमा काज करते हैं। सबसे पहले क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर मोस्टली एयर, ऐसे क्या है कि जो फ्लैक्चुएट वेदर, कोल्ड एयर एंड ड्राई एयर, जैसे क्या होता है कि अगर कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऐसे वहाँ पे ह्यूमिडिटी बार बार चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम हो जा रही है, तो भी अस्थमा होने का पहला फैक्टर है। दूसरा है एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हो, चाहे वो स्मोक हो, सिगरेट स्मोक हो, या जो सिगरेट अगर जो है स्मोक करता है कोई पेशेंट, या फिर फैक्ट्री का कोई पॉल्यूशन हो, वहाँ का स्मोक हो, या कोई फॉर्मल्डिहाइड हो, ठीक है, ये क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर होते हैं। फिर तीसरा होता है एलर्जन, जितने भी एलर्जी वाले एजेंट होते हैं, मान लीजिए गैसियस इनहेलेशन है, केमिकल ट्रीटेड फूड है, अगर हम इसको इनटेक करते हैं या इनहेल करते हैं तो इससे भी क्या है, ये तीसरा फैक्टर होता है अस्थमा काज करने का। कुछ मेडिसिन होती हैं जिन मेडिसिन की वजह से जो है ये आपका अस्थमा काज होता है। जो उसका पहला फैक्टर है वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, कुछ होती हैं जो ये पेन किलर्स टाइप की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी अस्थमा जो है अस्थमा बनाने का फैक्टर होती हैं। फिर दूसरा है क्या है, बीटा ब्लॉकर ड्रग से भी जो है अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। तो इसके बाद में हम इसके अस्थमा के टाइप की बात करें तो ये मोस्टली दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्सट्रिंसिक यानी एलर्जिक, जो एलर्जी से जो होता है अस्थमा उसको एक्सट्रिंसिक अस्थमा बोलते हैं, और दूसरा होता है इंट्रिंसिक अस्थमा, वो नॉन एलर्जिक होता है, इम्यून सिस्टम की वजह से हो, तो इस वजह से जो भी अस्थमा होगा उसको नॉन एलर्जिक बोलेंगे। यानी तो सबसे पहले बात करें कि एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो होता है वो मोस्टली बच्चों में पाया जाता है, और जो इंट्रिंसिक अस्थमा होता है वो एडल्ट में होता है, ठीक है। तो अगर जो है एडल्ट में होने की वजह से जो है, तो आप आशा करते हैं कि दोनों आप जो है टाइप समझ गए होंगे। अब इसके अगर अस्थमा हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, यानी उसके सिम्टम्स क्या क्या हमको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्या है, बीजिंग साउंड, यानी उसमें घरघराहट की आवाज़ सुनाई देगी, जब हम सांस लेंगे तो घरघराहट की आवाज़ आएगी, कफ हो गया यानी खांसी आएगी। अच्छा, खांसी विशेषकर दो टाइम पर बहुत ज़्यादा आती है, एक तो ऑल नाइट रात में आती है, और अर्ली मॉर्निंग सो होती है यानी अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में होता है चेस्ट टाइटनेस, वहाँ पे हमने बताया था कि जब ब्रोंकोस्पास्म हो गया यानी जब वहाँ पे पाथवे ब्लॉक हो जाएगी तो वहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होंगी उसमें तनाव होगा, तनाव की वजह से क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस महसूस होगा, यहाँ पे पेन भी होगा, जब हम सांस लेंगे तो पेन महसूस होता है यानी चेस्ट टाइटनेस होता है। डिसिप्निया यानी ब्रीदलेसनेस, जब क्या है क्योंकि वहाँ पर एयरवे एकदम ब्लॉक है, और एयरवे ब्लॉक है तो एयरवे की वजह से एयर वहाँ पे पास नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो है ब्रीदलेसनेस का सिम्टम दिखेगा। और प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, और तीसरा क्या है, हाइपोक्सीमिया, और फिर उसके बाद में क्या है, रोंकी, यानी साउंड के दौरान जो है जब हम सांस लेंगे, इंस्पिरेशन करेंगे ये, तो उसमें क्या होगा कि आवाज़ आएगी, ठीक है। तो इसका ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। फीवर्स भी होते हैं, फीवर भी होता है, इसमें लिखा नहीं मैंने, पर फीवर भी होता है।
अब इसके बाद में अगर पेस की पैथोलॉजी के बारे में समझें तो पैथोलॉजी इसका पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है, ये आपका एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया और दूसरा हो गया जेनेटिक फैक्टर। जब दोनों जैसे ही कोई भी एलर्जेंट जैसे इसको स्टमुलेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्रोंकियल होगा सबसे पहले ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन हुआ, यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी हुई और जैसे हाइपर सेंसिटिविटी हुई तो ट्रिगर हुआ ये, और ट्रिगर हुआ तो तुरंत क्या हुआ कि यहाँ पर म्यूकस का सेक्रेशन बढ़ गया। म्यूकस सेक्रेशन बढ़ा और क्या हुआ, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया। तो जैसे ही इन्फ्लामेशन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ जिसकी वजह से क्या है कि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा तो जो एयरवे है वो बिल्कुल सिकुड़ गई, यानी नैरो हो गई। अब नैरो हो गई उसकी वजह से जो काज क्रिएट हुआ वो दूसरा क्या कि इतना ज़्यादा बलगम है, बलगम को जब पूरा बलगम है हम खांसेंगे तो बलगम उसके साथ निकलेगा तो कफ होगा, पहली चीज़ कफ, इसको कफ पहली खांसी, बीजिंग घरघराहट की साउंड होगी क्योंकि वो बंद है, वो बंद है तो जब वो आवाज़ एयर वहाँ से पास होती है तो आके वहाँ पे टकराती है, इसकी वजह से घरघराहट की आवाज़ होती है। फिर ब्रीदलेसनेस, क्या होगा कि वहाँ पर सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि एयर वे उतना क्लियर है नहीं, जितना हमको हंगर डिमांड है ईयर की उतना मिल नहीं पा रही है, तो इससे क्या होगा ब्रीदलेसनेस होगा। फिर चेस्ट पेन होगा, चेस्ट टाइटनेस की वजह से चेस्ट पेन होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तीसरी स्लाइड की, इसकी डायग्नोस्टिक क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, इसमें क्या पास्ट का क्या हिस्ट्री रही है पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर स्पायरोमेट्री टेस्ट करेंगे, ठीक है, उसकी लंग्स कैपेसिटी देखने के लिए स्पायरोमेट्री टेस्ट करेंगे। फिर एवीजी परफॉर्म करेंगे, अच्छा एवीजी में ये देखेंगे कि अगर हाइपोक्समिया तो नहीं है, एसिडोसिस तो नहीं हुई, इसको हम जो है एक तरह से परफॉर्म करेंगे और इसको असेस करेंगे। फिर इसके बाद में चेस्ट एक्सरे कराएंगे, और चेस्ट एक्सरे कराएंगे, चेस्ट एक्सरे में देखेंगे कि बेसिकली क्या कहाँ किस पोर्शन पर जो है क्या कि चेस्ट एक्सरे में कितना एक्सरे जो है इसका इफेक्टेड है, ये करेंगे। फिर उसके बाद में एस्कल्टेंट ब्रीदिंग साउंड, ठीक है, और उसकी ब्रीदिंग साउंड को एस्कल्टेट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, अस्थमा की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो सबसे पहले होगा कि रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों होगा, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो एकदम ब्लॉक हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया है। जब रेस्पिरेशन वो पास ही नहीं हो पाएगा, गैस एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगी, तो पहला प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपका पहले प्रॉब्लम यहाँ पे शो हुआ कि रेस्पिरेटरी फेलियर। फिर दूसरा आपका क्या है कि अस्थमेटिकस, आपका जो जो अस्थमा है उसकी वजह से अस्थमेटिकस हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, निमोनिया काज हो जाएगी। फिर तीसरा आपका, चौथा क्या है कि एटलेक्टिस, ठीक है। फिर पाँचवा क्या है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक, क्योंकि जब ऑक्सीजन की सप्लाई कार्डियक में नहीं, हार्ट में नहीं जाएगी तो कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग अगर बात करें कि तीसरी स्लाइड की बात करें कि इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, ठीक है, जब भी ऐसा पेशेंट हो तो उसका मैनेजमेंट, जैसे यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो ये अस्थमेटिक अटैक का ये जो है पाथ एयरवे है, यहाँ पर देखें पूरा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, पूरा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, एयरवे यहाँ पे पास ही नहीं हो रही है, जैसे क्या है यहाँ पे अस्थमेटिक अटैक होने वाला ये एयरवे है। फिर आपका मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम जो है ब्रोंको डायलेटर बीटा एगोनिस्ट की बात करते हैं कि बीटा ये कैसे काम करती है। तो दिस इज ए काज ऑफ विंडिंग ऑफ एयरवे, ये एयरवे को चौड़ीकरण यानी चौड़ा करता है, ठीक है, क्योंकि ये जितना बीटा ब्लॉकर होता है, ब्रोंको डायलेटर होता है, ये उसकी विंडिंग जो उसकी वो होती ना उसको डायलेट करने का काम करता है। देखिए ये बेंडिंग ऑफ द एयरवे, ये एयरवे को क्या करता है, चौड़ा करता है, रिलैक्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द एयरवे, और जो एयरवे होती है उसको वहाँ की मसल्स को रिलैक्स करता है, और फिर उसके बाद में रिलीव दी सिम्टम्स। और जैसे ही वहाँ का जो एरिया है, जो वहाँ पर जैसे ही वो एयरवे है, जैसे ही वहाँ पे एरिया खाली होगी, जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो खुलेगा, वैसे क्या होगा कि जो वहाँ की मसल्स हैं, जो वहाँ पे टाइटनेस जो स्ट्रेन हो रहा था वो स्ट्रेन नहीं होगा, स्ट्रेन नहीं होगा तो स्मूथ मसल्स जो होंगी वो पहली चीज़ तो चेस्ट टाइटनेस कम होगा, और चेस्ट टाइटनेस कम होगा और ब्रोंको डायलेट, जैसे ही वो लंग्स डायलेट होंगे तो क्या होगा कि सिम्टम्स में हमको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। और इंक्रीज ब्लड सप्लाई इन द हार्ट, क्या करते हैं कि ब्लड सप्लाई को हार्ट में इंक्रीज करती है, जैसे हाइपोक्सीमिया को
हाइपोक्समिया से बचाव होता है एंड एंड प्रमोट द ब्रोंको डायलेटर, और ये ब्रोंको डायलेटर को भी प्रमोट करता है। तो इसकी इसमें इसके एग्जांपल की बात करें कि क्या क्या होते हैं जो ब्रोंको डायलेटर होता है, कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले बात करें कि एल्बिट्रॉल, एल्बिट्रॉल होता है सबसे पहला, ठीक है, एल्बिट्रॉल। दूसरा जो है आपका एल्बिट्रॉल, दूसरा है सल्बुटामॉल, और तीसरा है आपका मेटाप्रोटोनोल, ठीक है, सल्फेट। ये तीन होते हैं, ये इन्हें इसको जो है जैसे ही ब्रोंकोडायलेटर के रूप में हम यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, इसे रिलैक्स मिलता है। फिर तीसरी बात करें जो दूसरा है, ठीक है, जैंथिन डेरिवेटिव्स। जैंथिन डेरिवेटिव्स क्या होता है कि जो ये रिलैक्स रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई, ये जो ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं कि जो लेफ्ट और राइट दोनों ब्रोंकस होता है उसको हम अगर बात करें तो ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ये ब्रोंकाई की जो रिलैक्स मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करता है। अच्छा, जैसे ही मसल्स रिलैक्स होगी तो उस पेशेंट में तुरंत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके कौन कौन से हैं, तो पहले सबसे पहले बात करें तो थियोफाइलिन है, दूसरा है डेरीफाइलिन, तीसरा है एमिनोफाइलिन, ये तीन ड्रग्स हैं, ठीक है। फिर एंटीकोलर्जिक बग की बात करें, तीसरा एंटीकोलर्जिक, तो ये कौन सी होती हैं, इसका क्या रोल होता है, कैसे काम करती हैं, तो सबसे पहले बात करें कि दीज ड्रग रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेशन करती हैं, मसल्स एंड डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, और ये क्या करती हैं, म्यूकस के सिक्रीशन को डिक्रीज करती हैं। और जब म्यूकस का सिक्रीशन डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पाथवे खुलेगा, और पाथवे खुलेगा तो जिससे क्या है, हमको रिलैक्स होगा। तो इसके एग्जांपल में अगर हम बात करें तो आइप्राट्रोपिपियम होता है, ठीक है, और एट्रोपिन सल्फेट होता है, इसको हम नेबुलाइजर के रूप में यूज़। फिर आपका कार्टिकोस्टेरॉइड, कार्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक। तो एंटी इन्फ्लामेटरी का क्या काम है, क्योंकि हमारी एयरवे में इन्फ्लामेशन है, और जब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लेंगे तो क्या होगा कि वहाँ का इन्फ्लामेशन कम होगा, कम होगा तो ईयरवे खुलेगा, और ईयरवे जब खुलेगा तो हमको जो भी इससे ब्रीदिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, सबसे पहले आती है मेथिलप्रेडनिसोलोन, आपकी आती हैं मेथिलप्रेडनिसोलोन, फिर डेक्सामेथासोन, ठीक है, फिर बेटामेथासोन, फिर आता है प्रेडनिसोलोन। ये दवाइयाँ हैं कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की, ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप में जब हम एंटी इंफ्लामेटरी के लिए यूज़ करते हैं। बात करें ल्यूकोटेरिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, अच्छा इनका क्या काम होता है, दे प्रिवेंट द एक्शन ऑफ ल्यूकोटेरिन ब्लॉकिंग देयर रिसेप्टर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ल्यूकोटेरिन हैव की रोल ऑफ इन्फ्लामेशन। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हमको वो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। इन्फ्लामेशन जैसे शुरू होगा मास्टर सेल को, मास्टर सेल क्या करती हैं कि तुरंत जो है इन्फ्लामेशन क्रिएट करती हैं, और वहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, ल्यूकोटेरिन रिसेप्टर्स होते हैं, वो जाकर के जो स्मूथ मसल्स होता है उसके ऊपर अटैच होते हैं और इन्फ्लामेशन काज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ल्यूकोटेरिन रिसेप्टर ड्रग्स होंगी ये क्या करेंगी, जो उसके रिसेप्टर होगा उसको ब्लॉक कर देंगी, जिससे ब्लॉक कर देंगी तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं होगा। जब इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसके लिए कौन कौन सी ड्रग यूज़ की जाती हैं, उसमें दो ड्रग आती हैं, इसे मोंटिल्यूकास्ट और जेफ्री लुकास्टिंग मैनेजमेंट है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि असेस वाइटल एवरी 15 to 30 मिनट, सबसे पहले इसका वाइटल्स लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, फिर प्रोवाइड कम्फर्टेबल पोजिशन, यानी उसकी ईयरवे को खुला रखेंगे, ईयरवे सीधी रखेंगे, जिससे क्या है, अगर अगर ईयरवे बेंड होती है, बेंड होगी तो पहली चीज़ ब्लॉकेज ही है, और अगर बेंड भी हो रही है तो फिर वो क्या होगा कि ईयर पास नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसकी पोजीशन को इंपॉर्टेंट देना होता है। फिर जो आसपास की सराउंडिंग एरिया है, क्लीन हाउस, रिमूविंग दिया ट्रिगर एजेंट, ऑर्डर एंड परफ्यूम, जैसे आपका जो भी जो ट्रिगर करता है उनको हम वहाँ से हटा देंगे। ह्यूमिडिटी लो इन पेशेंट रूम, जो ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो होगी वो ह्यूमिडिटी को हम लो होने नहीं देंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि मॉनिटरिंग एवीजी, उसके एट्रियल ब्लड गैस को मॉनिटर करेंगे और ये देखेंगे कि उसका जो है
कहीं पेशेंट को एसिडोसिस तो नहीं है, हाइपोक्समिया तो नहीं है, तो उसके एट्रियल ब्लड गैस को जो है मॉनिटर करेंगे। फिर क्या है, एडमिनिस्टर उसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाएंगे, एडमिनिस्टर्ड लो फ्लो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोक्समिया। क्या करेंगे कि इसको जो ऑक्सीजन देंगे वो कैसा देंगे, ह्यूमिडिफाइड देंगे, क्योंकि जब गर्म गर्म ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जो होती है जब वो ह्यूमिडिफाइड होकर के अंदर जाएगी तो जो भी कंजेशन है, जो बलगम है, उनमें क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। और दूसरी चीज़, एक फ़ायदा और भी है कि हाइपोक्समिया से भी जो है उसको बचाव किया सकता है। तो क्या करेंगे, उसको लो फ्लो में ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे। फिर क्या है, ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ रिसेंट मेडिकेशन यूज एंड इनहेलेशन, वो पेशेंट कौन कौन सा इनहेलेशन यूज़ कर रहा है, मेडिकेशन उसकी पास्ट की क्या चल रही है, रिसेंट की क्या चल रही है, इसके बारे में पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम जो ड्रग डॉक्टर ने जो ड्रग प्रेस्क्राइब करी है उसी के हिसाब से हम जो है उसको देंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, उसको हम उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे कि आपको स्मोक नहीं करना है, अगर वो स्मोक करता है तो स्मोक के लिए अवॉइड करेंगे कि आप स्मोक नहीं करेंगे, ठीक है। और उसको आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज भी ऐसी नहीं करेंगे जिसमें लंग्स को जो है आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं प्रोवाइड करेंगे, पर हाँ एक्सरसाइज के लिए उसको प्रमोट करेंगे। अच्छा, उसके डाइट के लिए बोलेंगे कि आप विटामिन्स और हाई विटामिन्स और हाई प्रोटीन डाइट लें, जिससे आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उससे अस्थमा से लड़ने की शक्ति मिलेगी। तो क्या है कि इंक्रीज फॉर इंक्रीज इम्यूनिटी, ठीक है। फिर आपका है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, सबके पहले उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि आप ठीक हो जाएंगे, परेशान नहीं हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे। और फिर उसके में क्या है कि जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट ये कि एडमिनिस्टर्ड इनहेलेशन रैपिड एक्टिन ब्रोंकोडायलेटर, वो ब्रोंकोडायलेटर हम लोग यूज़ करेंगे जो जिनका रैपिड एक्शन होता है, रैपिड एक्शन ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करेंगे, जिससे पाथवे क्या होगा, जो एयरवे है वो ओपन होगा और पेशेंट को तुरंत आराम मिलेगा। तो आपको कोई भी अगर चीज समझ में नहीं आई है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज साइनिंग ऑफ।